क्षेत्र मिति मेंजुरेशन। हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जानेंगे क्षेत्र मिति और उसके बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे, और जिसका भी जितना भी इसका जो डिफिनेशन है वो सब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है कि भूमिका, इसके बारे में भूमिका जान लेते। क्षेत्र मिति शब्द का की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से मेंसुरेशन, जिसको इंग्लिश में भी मेंसुरेशन ही बोलते हैं, से हुई है, जिसका अर्थ है मापन। इसको इसका जो अर्थ हो गया, इसको मापन हम बोलते हैं। या गणित ही उस शास्त्र से संबंधित है जिसका प्रयोग ज्यामिति आकृति और जैसे सतह परिमाप कोमल क्षेत्रफल कोमल ठोसों का आयतन आदि के परिमाणों परिणामों के मापन में होता है। और इसका जो क्षेत्रमिति दो भागों में विभाजित किया जाता है, समतल क्षेत्रमिति और ठोस क्षेत्रमिति। पहले समतल क्षेत्रमिति के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यह समतल आकृतियों जैसे त्रिभुज, आयतन, वर्ग, वृत्त आदि की भुजाओं परिमाप व क्षेत्रफल के मापन से संबंधित है। फिर दूसरा जान लेंगे ठोस क्षेत्रमिति। इसको जो डिफिनेशन है कह रहा है कि यह सतह ठोस आकृतियों जैसे घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन आदि के क्षेत्रफल से मापन के मापन से संबंधित है। फिर कह रहा है कि इस अध्याय में हम त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज आदि के परिमाप व क्षेत्रफल को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। फिर कह रहा है परिमाप, अपनी पुस्तक का एक पृष्ठ या विद्यालय के बगीचे को देखिए। आप देखते हैं कि ये भाग एक वर्ग या आयत के रूप में है। इस आकृति को देखिए, इस आकृति को देखिए और ये आकृति को देखिए। यह आयताकार क्षेत्र हो गया, यह एक वर्गाकार क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ नीचे कह रहा है कि इन वन आकृतियों की बाहरी सीमा की लंबाई की लंबाई को ही इसका परिमाप कहते हैं। जो ये बंद आकृति की बाहरी सीमा की जो लंबाई है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। इस चारों ओर की जो जितना भी है, मतलब सेंटीमीटर में जाए, मीटर में हो, जितना भी लंबाई है, इसी को हम परिमाप में परिमाप कहते हैं। फिर कह रहा है दूसरे शब्दों में बंद वर्ग वक्र की सभी जब भुजाएं के योग को इसका परिमाप कहते हैं। परिमाप यानी जिसका भी अंडर होगा इसको भी परिमाप कहते हैं। फिर कह रहा है परिमाप की इकाई, परिमाप की इकाई कह रहा है परिमाप की इकाई लंबाई की इकाई के समान ही होती है, अर्थात सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर के समान होता है। फिर आगे कह रहा है कि फिर कह रहा है विभिन्न प्रकार की वन आकृतियों का परिमाप। तो इसका ये देखिए, इस आकृति को देखिए, ए बी सी, इसका जो ये देखिए परिमाप वन आकृति में है, ए बी सी, इसके बीच में परिमाप। फिर इस आकृति को देख लीजिए, सेम वैसे ही है। फिर इसमें देख लीजिए, फिर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, आयत पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी प्लस बी बराबर टू एल प्लस टू बी बराबर टू एल प्लस बी, टू इंटू एल प्लस बी। फिर कह रहा है वर्ग, वर्ग का देखिए ए बी सी डी का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस ए प्लस ए बराबर हो जाएगा चार, यानी भुजा चार गुना भुजा हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर कह रहा है समांतर चतुर्भुज के एल एम एन का परिमाप बराबर देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी बराबर टू एल प्लस टू बी बराबर टू इंटू एल प्लस बी। फिर कह रहा है इस प्रकार हम देखते हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग, और एक आयत का परिमाप बराबर होगा दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर कह रहा है कि तीसरे नंबर में एक वर्ग की परिमाप बराबर चार गुना भुजा की लंबाई। फिर कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि याद रखिए कि उपरोक्त सूत्रों द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि आयत की लंबाई बराबर एक बटा दो गुना परिमाप माइनस चौड़ाई। फिर कहता है दो नंबर आयत की चौड़ाई निकालने के लिए हम एक बटा दो गुना परिमाप माइनस लंबाई। फिर कह रहा है वर्ग की भुजा बराबर एक बटा चार गुना परिमाप। और तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं। अगली वीडियो में मेरा कोई वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए।